नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आज किस नए वीडियो के अंदर। मेरा नाम है रितेश और आप लोग देख रहे हो सतगुरु स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं सब्जेक्ट इंग्लिश का संपूर्ण हाल। कक्षा 11वीं वालों की जो क्वेश्चन बैंक 2023 बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो आपकी जारी हुई है प्रश्न बैंक, उसका हम संपूर्ण हाल देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देना। आज हम इसका पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जारी की गई है प्रश्न बैंक, ठीक है 2022-23। तो यहाँ से सबसे पहले अपना ब्लू प्रिंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस ब्लू प्रिंट को आपको अच्छे से देखना है और वीडियो को, अगर बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि हमें वीडियो की साफ क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है, तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर यूट्यूब पे सेटिंग होती है, वहाँ से वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं जिससे आपको पूरा का पूरा सही सही समझ में आएगा, ठीक है। वहाँ पर ऐसे तीन डॉट होंगे तो उस पर क्लिक करेंगे सेटिंग का निशान यूट्यूब में, वहाँ पर से आप क्वालिटी बढ़ा सकते थे कि आपको साफ देखे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मुझे यही कमेंट करते रहते हैं कि सर हम आपकी वीडियो का हमें कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि दिखता नहीं है, क्योंकि वो उनकी क्वालिटी लो होती है, ठीक है। आपको अच्छी बेहतर क्वालिटी में देखना है ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम देखने वाले सेक्शन ए रीडिंग कंपैरिजन का पूरा कंपैरिजन करेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग पैसेज ऑन, थोड़ा रखें यहाँ से अपना शुरू होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पैसेज नंबर फर्स्ट देखेंगे, तो ये जो है आपको पूरी पैसेज अच्छे से करनी है, ठीक है। यहाँ से पूरी आपको याद करनी है, मतलब अच्छे से याद नहीं करनी है, पढ़नी है, ठीक है। वो जल्दी बोल देता हूँ, ठीक है, याद नहीं करनी है, पढ़ना है इसे, ओके। और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब हम इसके आंसर देखते हैं। दोस्तों मैंने आंसर यहाँ पर सभी के सॉल्यूशन कर लिया है, सिर्फ आपको बताने की देरी है। पहला जो आपका क्वेश्चन है और दोस्तों ये जो पैसेज है अभी जो आपने ओपन की है, ये दो बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछी जा चुकी है। तो इसमें से हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज द एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एकेडेमिक्स। और उसके बाद दूसरा आता है व्हाट इज कंसीडर्ड हॉक्स। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ओके। उसके बाद अपना तीसरा आता है तीसरे नंबर का, व्हाट वाज हिंडरेंड स्टूडेंट डेवलपमेंट। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चौथा है जो आपका द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू फोकस ऑन ऑब्रेलोल डेवलपमेंट। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए आप वीडियो को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, डाउनलोड करके आराम से देख लेना। उसके बाद अपना है क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हॉक्स। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनकवर, डी नंबर का अनकवर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर छः आता है, विच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। इसका आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, को करिकुलर एक्टिविटीज ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपना है क्वेश्चन नंबर सात, तो क्वेश्चन नंबर सात का आपका व्हाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर असिस्टेटिंग डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अभी देख सकते हैं आठवां, द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज, तो यहाँ पर बी आ रहा है, इसका आपका आ जाएगा सेंचुरी। सौ वर्षों के समूह को क्या कहते हैं यहाँ पर, सेंचुरी। उसके बाद अपना है नौ, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट एटोनियम ऑफ अनक्यू। तो अनक्यू का हमें अपोजिट लिखना है, तो ये ऑप्शन नंबर बी कॉमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपना है क्वेश्चन नंबर दस, क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द फाउंडेशन, ओके। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है, अगली पैसेज आती है, पैसेज नंबर टू, पैसेज नंबर हमारी फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब हम आ चुके हैं पैसेज नंबर टू पर। उसके बाद अपन देखते हैं इसके आंसर, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, देख सकते हैं पूरी यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन नंबर द क्यूरीस और कोलैबोरेशन हेल्प्ड टू अनलॉक द
सीक्रेट्स ऑफ द एटम, तो इसका आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा फ्रेंडली। उसके बाद दूसरा आता है मैरिज हैड अ ब्राइट माइंड एंड और पर्सनैलिटी, ठीक है पर्सनैलिटी। उसके बाद पर्सनैलिटी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाइट हाइटेड, ठीक है। उसके बाद अपना आता है और चौथा आता है, चौथा आपका आता है व्हेन द लर्न दैट सी कुड नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी इन वारसा, यहाँ पर वारसा द फेल्ट, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाला अपना अगला आता है विच एलिमिनेट्स इन द ऑलवे बाइनली यूज फॉर टीचिंग कैंसर, तो इसका आपका राइट आंसर मैंने देखिए बगल में लिख लिया, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडियम, सही है। उसके बाद अपन आगे देखते हैं, आगे जो अपना आता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7-6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या करना है दिया हुआ है व्हाई वाज मेरी अवार्ड द नोबेल प्राइज, तो इसमें से आपको क्या करना है यहाँ से लेके सी, यहाँ पर सी लिखना है पहले, सी लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है सी लिखना है पहले, उसके बाद है मेरी अवार्ड द नोबेल प्राइज, तो इस और उसके आपके आगे लिखना है रेडियम बस, और डॉट बिंदी रख देना आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, आगे जो अपना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा वेयर डिड द आयन हर मास्टर्स डिग्री एंड डॉक्टर्स इन फिजिक्स, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एट सर्वर और यूनिवर्सिटी, ठीक है यूनिवर्सिटी, ठीक है यूनिवर्सिटी। उसके बाद अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 8 गिव द नाउन फॉर्म ऑफ डिसोलेट, डिसोलेट का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डिसोलेशन, ठीक है डिसोलेट का नाउन डिसोलेशन हो जाएगा। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 9 आता है हाउ वाज पेरी किल्ड, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरी किल्ड बाय हॉर्स, उसकी मृत्यु घोड़े से हुई थी इसलिए घोड़ा हैरी किल्ड बाय हॉर्स, ठीक है। उसके बाद अपना आता है हुम डिड द क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लिखना है पेरी क्योर, ठीक है ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, क्योर की स्पेलिंग शायद गलत है यहाँ पर दी हुई है, देखिए क्योरी ए वाली स्पेलिंग लिखना है, ठीक है स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिख दी थी मैंने जल्दी जल्दी में। उसके बाद अपना है पैसेज नंबर 2 भी खत्म होता है, अपना पैसेज नंबर 3 ये, उसके बाद अपना आता है कार्ड, इसी पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है ओके दोस्तों, अच्छे से एक एक से आपको ध्यान से देखकर आपको अच्छे से रीड करना है और वीडियो को फुल क्वालिटी में देखना है ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अपन पैसेज नंबर 3 के आंसर देखते हैं, पहले का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके बाद दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पर आपका चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगस्त फेब्रुअरी। उसके बाद आपका पांचवे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 ईयर्स आफ्टर प्लांटेशन। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी 2 टाइप्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आ जाएगा 2 टाइप्स बी, और उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा 25% ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेंसिव ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 आता है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेगेंस, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरोमा। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट करते जाइए ठीक है, और इस पीडीएफ को मैं जल्दी डाल दूंगा, आप बन के जैसे ही लाइक वीडियो पर कंप्लीट हो जाएंगे मैं इससे इस पीडीएफ को टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है, टेलीग्राम की और पीडीएफ की ठीक है। उसके बाद अपन पेज नंबर 4 पर आते हैं, पैसेज नंबर 4 यहाँ पर आपको करना है, पैसेज अपना 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, पैसेज नंबर 4 पर आते हैं अब, तो पैसेज नंबर 4 में सब पहला अपना आता है दोस्तों, पहले का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद आप टिक करते जाइए, उसके बाद आपका दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और उसके बाद तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टू डेवलप हारमोनी बिटवीन एक्सटर्नल नेचर डे वाला ठीक है। उसके बाद अपना आता है ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथे का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है। उसके बाद आपका पांचवे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइंस टेक्स रिसोर्स 2। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए या फिर प्रश्न में उसमें आप टिक करते जाइए, कॉपी में भी आप लिखते जाइए ठीक है। पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम से या फिर
ऑफिशियल वेबसाइट जो है सोशल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर छठवें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सातवें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेथ। उसके बाद आपका आठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपेयर, ठीक है। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर नौ है, जो क्वेश्चन नंबर नौ का आपका आंसर हो जाएगा सेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दस का आंसर हो जाएगा फ्लोट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर मतलब पैसेज नंबर पाँच पर आते हैं। पैसेज नंबर पाँच में हमें दिया गया है इन नेचर वन, पैसेज नंबर फर्स्ट पाँच भी पैसेज का फर्स्ट में फर्स्ट का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना ऑप्शन नंबर दो आता है वैन बैन वार्ड बर्ड से मिग्नेट एट, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अपन देखते हैं ऑप्शन नंबर तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा चौथे का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज एन एनवायरमेंट, ठीक है। आप देखते जाइए और लिखते जाइए, टिक लगाते जाइए अपनी कॉपी में, आप लिखते जाना, ठीक है। उसके बाद आप अपना पांचवें का आपका आंसर हो जाएगा द नाउन फॉर्म फॉर्म ऑफ द मेकिंग इज, पांचवा आता है द नाउन फॉर्म ऑफ मेकिंग इज, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मोक। उसके बाद अपना का आ जाओ छठवा आता है, छठवें का आपका आंसर हो जाएगा द साउंड ऑफ बर्ड आर एन अटेम्प्ट टू, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू कम्युनिकेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सात आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिमिलर मीनिंग्स ऑफ अ ग्रुप वर्ड्स, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लॉक। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर आठ आता है विच ऑफ दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द एवर पैसेज, इसका आपका ऑप्शन नंबर डी इंपोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर नौ में आता है नौ से व्हाई डज थ्री मदर हैन मेक साउंड, इसका आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दस आपका आंसर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वर्ड्स, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे लर्न मेकिंग साउंड बाय थीम सेव्स, ठीक है। उसके बाद अपनी क्वेश्चन नंबर पाँच कंप्लीट होती है, क्वेश्चन नंबर हम छः पर आ चुके हैं, तो अब हम इसके आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर छः के। क्वेश्चन नंबर छः आपको क्या कहना है, पहले का आपका आंसर हो जाएगा सी फोर, उसके बाद दूसरे का आंसर हो जाएगा ट्रू, उसके बाद तीसरा दिया है विच ऑफ दिस इज लोकेटेड ऑन द हेड, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी मैंडिबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपना ऑप्शन नंबर फोर आता है, ऑप्शन नंबर फोर का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एन आंट्स ब्रेन इन द थ्रोक्स, उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर फाइव का विच ऑफ द फॉलोइंग इन द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एंट एन एंट्स एक्ट, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, इट इज सॉफ्ट एंड स्टिक की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर छः का एन आंट एग इन अबाउट द साइज ऑफ, इसका आपका नॉन ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओ क्या हो गया, तो उसका हम क्वेश्चन नंबर छः कंप्लीट कर रहे थे, पैसेज नंबर छः, और पैसेज नंबर छः कहाँ गया, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पहले का आपका सी हो जाएगा, दूसरे का ट्रू हो जाएगा, तीसरे का सी हो जाएगा, उसके बाद और तीसरे का आपका सी हो जाएगा, चौथे का आपका ए आंसर सही हो जाएगा, उसके बाद आपका पांचवे का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी, ठीक है। उसके बाद छठवा है, जो छठवा एन एंड आर्ट इज अबाउट द साइज ऑफ, इसका नॉन ऑफ दिस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अपना आता है सातवा, सातवें का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आठवा, तो आठवीं का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू आंट्स आर नॉट प्रोडक्टेड, ठीक है। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर नौ का आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रोप सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दस, क्वेश्चन नंबर दस का सी आपका सही हो जाएगा विथ है मैंडिबल्स। अब हम आ चुके हैं पैसेज नंबर सात पर, तो पैसेज नंबर सात का आपका फर्स्ट आंसर पहले का आपका सी हो जाएगा बाय मेकिंग एन ऐप, तो उसके बाद आपका पैसेज नंबर दूसरा आता है दूसरे क्वेश्चन का व्हाई डिड श्याम प्रसाद गो टू कैम्बाटोर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर टू मीट फार्मर। और उसके बाद आता है तीसरा हाउ डिड श्याम प्रसाद कम अप विथ द आइडिया ऑफ बैग रोटेट, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बोथ आर एंड बोथ ए एंड बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर छः, क्वेश्चन नंबर चार व्हाट इज बैग रोटेटिव
रोट है, रोट है, ठीक है। रोट का आपका इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड वेइंग रोट, इसका ऑप्शन नंबर ए टू हेल्प कस्टमर्स। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर छः, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्टार्ट यूपीएस, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ कंपनी इन इनिटियल स्टेक। उसके बाद अपना आता है और सातवा, सातवा आता है हाउ डज द बैग रोट वर्क, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर आठ आता है, क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब ब्राइटनेस पर्सन। उसके बाद आपका आंसर आता है नौवा, नौवे का राइट सेंकुड फुर फ्रेश, इसका आपका राइट न्यू हो जाएगा, ठीक है, न्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दस, द पैसेज इन अबाउट, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों एप एन, इसका दोस्तों मुझे पता नहीं है, देखिए मैंने इसको छोड़ दिया था, ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट में बता दे, नहीं तो इसका आंसर मुझे पता नहीं था, ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया, और बाकी की तो मुझे सब याद ही थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पैसेज नंबर आठ आती है, ठीक है, पैसेज नंबर आठ, तो पैसेज नंबर आठ में आपका फर्स्ट जो आता है वो देखते हैं क्या आता है, फर्स्ट फर्स्ट आता है हाउ डज एक्सरसाइज इम्प्रूव म्यूजिकल मुश्किल मुश्किल स्टेजें, तो उसका आपका पहले का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, और दूसरे का दूसरा दूसरा आपका दिया हुआ है हाउ डज आवर फोकस, और इसका दूसरे का यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो चुकी थोड़ी, तो दूसरे का आपका हाउ डज आवर फोकस शार्पेंस, तो इसका आपका दूसरे का आपका आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा आ जाएगा, तीसरे का आपका ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और उसके बाद चौथा है, चौथे का आपका सी आंसर सही हो जाएगा बाय रेगुलर वर्क आउट। उसके बाद पांचवा है, पांचवे का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा एबिलिटी टू कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर छः आता है, क्वेश्चन नंबर छः का व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। उसके बाद अपना आता है सातवा, सातवा विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज टू अबाउट द पैसेज, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसके डी ये सही हो जाएगा। उसके बाद आठवा आता है, आठवीं का आपका आठवा क्या था, हाउ कैन वी गेट अवर वर्क डन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाय एन एक्टिव एंड प्रोडक्टिव पर्सन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर नौ विच ऑफ दिस इज द करेक्ट सिनोनिम, तो इसका आपका राइट डिस्ट्रिक्शन का आपको लिखना है, तो इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी ड्राइवर डिवर्जेंट, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है एक्स मतलब दसवा आता है, दसवें का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी हाईएस्ट पॉइंट आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अपने हमने सभी पैसेज के आंसर सभी खत्म कर दिए, पूरी पैसेज के आंसर, और अगर आपको ऐसे ही आगे नोट मेकिंग का आपका जितने भी ये नोट मेकिंग यहाँ शुरू होती है क्वेश्चन नंबर टू, तो इसके बाद हम इन सभी के आपको आंसर चाहिए आगे के, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम इन सभी के आंसर आपको एक एक करके लिखित देंगे, ऐसे ही पूरे आपको बताएंगे, और बाकी की नोट मेकिंग भी हम आपको सिखाएंगे, और आगे के आप चाहिए तो आप कमेंट में वीडियो को पहले लाइक ठोक दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए आपको आगे की चाहिए या नहीं, हम जल्दी पीडीएफ डाल देंगे, बन के लाइक्स कंप्लीट करवा देना, ठीक है। और हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। Yeah!